नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। और देखिए, आज का मेरा टॉपिक है कि अगर सपने में आपको ये दिव्य चीजें दिखाई देती हैं तो देवी सत्या आपसे प्रसन्न है और आपको भविष्य में जमकर फायदा होने वाला है। आपकी सोई हुई किस्मत जागने वाली है। जब भी आपकी किस्मत बदलने वाली होती है तो आपको बहुत तरीकों से ये चीजें पता चल जाती हैं। एक, आपके सामने वास्तविकता में बहुत सारी चीजें घटित होती हैं जो गुड इंडिकेशंस होते हैं, जिन्हें हम शुभ इंडिकेशंस यानी संकेत बोलते हैं। जो भी आप बोलते हैं वो होने लगता है। और इसके अलावा स्वप्न के माध्यम से भी आपको बहुत बार चीजें देखने को मिलती हैं। जब भी भगवान आपकी भक्ति पूजा पाठ से प्रसन्न होते हैं तब भी स्वप्न के माध्यम से आपको चीजें बताते हैं। जो सपने हम देखने के बाद भूल जाते हैं उन सपनों का कोई औचित्य नहीं रहता है, लेकिन कुछ सपने ऐसे भी होते हैं जो हमें याद रहते हैं और उनको हम देखने के बाद जब उठ जाते हैं और फिर से सोते हैं और फिर से वहीं से वो सपना स्टार्ट हो जाता है। अगर आपको जो मैं बता रहा हूं ये पांच चीजें अगर आपको बार बार दिख रही हैं तो लकीर मान के चलिए कि अब आपका अच्छा समय आने वाला है और आपके ऊपर जम कर धन की बारिश होगी। अब धन की बारिश का मतलब यहां ये नहीं है कि आप घर में बैठे हुए हैं कोई आपको पैसों से भरा हुआ बैग लेके जाएगा। यहां पर कहने का मतलब यही है कि कर्म पहले ही है, लेकिन जितना भी आप कर्म करेंगे उससे ज्यादा आपको मिलेगा। आपका कोई बिजनेस अटका हुआ है वो चल पड़ेगा, नौकरी में प्रमोशन हो सकता है, आपको अपने मन मुताबिक पोस्ट मिल सकती है, आपका स्थानांतरण हो सकता है जहां आप चाह रहे हो, विदेश यात्रा हो सकती है, वीजा अगर अटका हुआ है तो वो हो सकता है। तो जो चीजें हो सकती हैं वही होंगी। सोने की असरियों से भरा हुआ घड़ा आपको जमीन में गड़ा हुआ नहीं मिलेगा। जब भी सपने में ये चीजें दिखाई देती हैं तो इनका बहुत सारा इंडिकेशन होता है। जैसे सबसे पहले नंबर पे आता है, अगर आपको माता लक्ष्मी सपने में दिखाई देती हैं, माँ लक्ष्मी जो हर घर में निवास करती हैं, लेकिन कुछ हमारी गलतियों के कारण से चली भी जाती हैं, भगवान हर कण कण में है। अगर आपके पास, अब मैंने ये शब्द क्यों बोला कि हर घर में निवास करती है, क्योंकि कोई कितना भी गरीब क्यों ना हो, कितना भी बात कर रहा हूं गरीब क्यों ना हो, अगर उसके पास एक रुपए भी है ना तो वहां पर भी माता लक्ष्मी है। चाहे वो इंसान भीख मांग के भी अपना पेट पाल रहा हो, लेकिन अगर उसके हाथ में 10 रुपए का नोट है तो भी माता लक्ष्मी उसके साथ है। तो भगवान सबके साथ है, किसी के साथ ज्यादा है, किसी के साथ कम है। क्यों कम है? क्योंकि कर्मों के हिसाब से है। जो भी आप हम काम करते हैं उस हिसाब से हमें कम मिल कर्मों का फल मिलता है। और माता लक्ष्मी उन्हीं के ऊपर मेहरबान होती है जो भगवान विष्णु के भक्त होते हैं, जो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, जो कहीं ना कहीं में श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे होते हैं या उनके ही सेवक श्री हनुमान जी की पूजा कर रहे होते हैं, भगवान कृष्ण की पूजा कर रहे होते हैं, या भगवान के किसी भी रूप के द्वारा अगर आप जुड़े हुए होते हैं तो माता लक्ष्मी आपको स्वप्न में दर्शन देती है। और एक बार नहीं, कई बार देती है। तो इसका मतलब होता है कि भविष्य में आपको बहुत अच्छा धन मिलने वाला है। हम जब भी पूजा करने जाते हैं तो हमेशा मंदिर में जाते हैं, क्योंकि मंदिर में भगवान विराजमान होते हैं। और अगर आपके आसपास कोई भी मंदिर है तो उसकी घंटी से, वहां पर बजने वाले शंख से, वहां पर बजने वाली चीजों से, वाद्य यंत्रों से आसपास के सारा एरिया जो होता है वो एकदम स्वच्छ हो जाता है, आनंदित हो जाता है। कुल मिला के जो मंदिर है उसे पवित्र जगह से जोड़ा जाता है। तो ऐसी पवित्र जगह को जब हम सपने में बार बार देखते हैं तो इसका मतलब हमारा भाग्य अब बदलने वाला होता है। अगली बात आती है कि अगर आपको सपने में नदी दिखाई दे, देखिए नदी क्या है, नदी है पानी। हमें जीने के लिए क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान, और सबसे बड़ी चीज है जल ही जीवन है। तो नदी जो होती है वो पवित्र होती है। नदी में सारी चीजें मिलती हैं। हम कितना भी गंदगी क्यों ना करें लेकिन नदी कभी भी आपसे रुष्ट नहीं होती और नहीं बोलती है कि आप मेरे अंदर गंदगी मत डालो।
ये अलग बात है कि बहाव के साथ वो किनारे पर उन सारी गंदगी को लाके पटक देती है। यानी ये शिक्षा हमें मिलती है कि हम जितना भी बुराइयां किसी को दे दें, जो अच्छा इंसान होगा वो उस चीज को ग्रहण ही नहीं करेगा। जैसे आप किसी को भी गाली गलौज दें, लेकिन जो अच्छा इंसान होगा वो बदले में आपको गाली देगा, वो आपकी गाली ले ही नहीं रहा है। तो अब आप बताइए कि लग किसको रही है। तो जब भी सपने में आपको नदी दिखाई देती है तो ये भी एक शुभ संकेत है कि आपका भाग्य बदलने वाला है। अगर आपको सपने में हाथी, मोर, गाय, तोता दिखाई दे तो ये भी जीवन में बढ़ने का संकेत होता है। मोर भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है, हाथी भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है, जुपिटर जो ग्रह हैं उनका वाहन है हाथी, बड़ा बड़ा सब चीज दिलाता है, हाथी को बड़ा जानवर कहा गया है। और ये जब भी आपको दिखाई देता है यानी बड़ी बड़ी बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली होती है। गाय के अंदर बहुत सारे देवी देवता विराजमान होते हैं। और तोता बुद्ध का कारक ग्रह है, यानी बिजनेस का, वाणी का, हर चीज में, व्यापार में, तरक्की का। तो ऐसे में इन पक्षी जानवरों को देखना भी उन्नति होने का संकेत होता है। अगली बात, अगर आपको सपने में मां लक्ष्मी की फोटो, तस्वीर किसी भी रूप में हंसती हुई दिखाई दे, अगर आपको किसी भी देवी देवता की फोटो हंसते हुए दिखाई दे, जैसे गणेश जी, जैसे कुबेर जी, जो धन से रिलेटेड देवता है, तो भी आप समझ लीजिए कि आपका अभाग्य बदलने वाला है। ऐसे में जो भी देवी देवता आपको दिखाई देते हैं उनकी पूजा का दायरा आपको बढ़ा देना चाहिए, उनका जाप करना चाहिए। आप देखेंगे आपकी सोई हुई किस्मत और तेजी से काम करेगी। जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं वो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जो लोग मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया प्यार। और यूं ही आप आगे बढ़ते रहें। नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।